Good morning to all world people. मेरा सुप्रभात विश्व के सभी मित्रों को इस संसार के सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात I bring your kind attention of 1966 that is my birthday मैं आपका ध्यान 1996 की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो कि मेरा जन्मदिन है आई हैव सीन अ मूवी लव इन टोक्यो मैंने 1966 की जो कि मेरा जन्मदिन है एक मूवी देखा था जिसका नाम था लव एंड टोक्यो लव इन टोक्यो जो जिसका नाम था लव इन टोक्यो लव इन टोक्यो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1966 में जापान शहर इतना ब्यूटीफुल था इतना सुंदर था इतना सिस्टमेटिक था आप उस फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा और आज उस फिल्म को आज के जापान से तुलना करोगे तो और भी आपको सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध मिलेगा तो इस सुंदरता के पीछे इसकी सुंदरता कैसे बनी यह क्रमबद्ध कैसे है कैसे यह शहर सुसंगठित है कैसे यह शहर सुव्यवस्थित है इसके पीछे क्या रहस्य है क्या मैनेजमेंट है क्या प्रबंधन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे When I've seen Love in Tokyo film, this film was basically made in 1966 in which the actor in this film the actor was Joy Mukherjee Mr. Joy Mukherjee sir great actress Asha Parekh ji Mahmood sahab Pran sahab शुभा खोटे जी और ललिता पवार जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री प्रमोद चक्रवर्ती साहब थे म्यूजिक शंकर जयकिशन जी थे आदरणीय शंकर जयकिशन साहब थे और सिंगर हमारे बहुत ही प्रिय बहुत ही अजीज
मोहम्मद रफ़ी साहब, राइटर प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायलॉग राइटर सचिन भौमिक साहब थे और आगा जान कश्मीरी साहब थे। सिनेमेटोग्राफी बी के मूर्ति साहब। तो इस तरह से आप देखोगे लव इन टोक्यो, फिल्म वॉल्स, फैंटास्टिक एंड मॉडर्न, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। लव इन टोक्यो, लव इन टोक्यो, कोई मत वाला मुझे तुम मिल गए, मुझे तुम मिल गए, ओ मेरे साहिब। तो इस तरह से 6 गाने इस फिल्म में थे। मुझे ये गाने अत्यंत प्रिय लगे। मैं फिल्म को बार बार देखता था, यूट्यूब पे आज भी देखता हूँ, और मुझे ये फिल्म बहुत ही पसंद है। तो उस 1996 फिल्म की याद को लेकर के मैं जापान शहर के ब्यूटी की ब्यूटी को आपको बताना चाहता हूँ। वो जापान शहर, उसके पीछे क्या मैनेजमेंट है, कैसे प्रबंधन किया गया, कैसे उसको सुसंगठित किया गया, कैसे सुनियोजित किया गया, उसके पीछे क्या रहस्य है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल सिटी। वैसे तो मैं विश्व के सभी कंट्री के बारे में आपको, वहाँ की खूबसूरती के बारे में मैं वर्णन करूँगा, तो पहले मैं आपको, आपका ध्यान जापान शहर के तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत शहर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, वो भी बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैंने फिल्म को देख करके और वहाँ के लिटरेचर को पढ़ कर मैंने वहाँ की खूबसूरती को जानने की कोशिश की है, तो उसी को आपके सामने बताऊँगा। In 1966 is my birthday. On that time, a film was made, Love in Tokyo, in which the actor, great actor, was Joy Mukherjee, and actress was, great actress was, this great actress was Asha Bhosle. महमूद साहब, प्राण साहब, सुभा खोटे जी,
ललिता पवार जी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वाज प्रमोद चक्रवर्ती, म्यूजिक डन बाय ग्रेट शंकर जय किशन, सिंगर वाज मोहम्मद रफ़ी साहब, द स्टोरी राइटर एंड डायलॉग राइटर बाय द मिस्टर सचिन भौमिक, आगा जान कश्मीरी साहब, द सिनेमेटोग्राफी वाज डन बाय बी के मूर्ति साहब. In that film, basically based on the love, a couple loving, fall in love in the city of Japan. In the city of Japan, that is Tokyo. There was a 6 beautiful song. That is the Sayonara, Sayonara, Love in Tokyo, Aja, Aja, Re, Ajara, Koi Matwala, Koi Matwala, Mujhe Tum Mil Gaye. ओ मेरे शाही कुआं, ओ मेरे शाही कुआं. तो टेकिंग द हेल्प ऑफ 1966 फिल्म लव इन टोक्यो, आई ब्रिंग योर अटेंशन अबाउट द मिस्ट्री ऑफ जापान, टेक्नोलॉजी ऑफ जापान, engineering behind the Japan, management behind the Japan, how the city is made beautiful, rich in technology and have a developed country, also very very rich in financial. So what is the management behind? I will bring your kind attention. Now, I bring your attention about the engineering, technology, management of the beautiful city, Japan. So basically, first we understand, if we see any books,
If we see any books, we see their introduction, contents, and preface. So I will not take a lot of time. I will explain briefly about the mystery of Japan. Basically, if we see any subject, any chapter, any lessons, there is three things. First is the introductory. Yeah, introduction. Our introduction. Second thing is bell management. Third is bell organized. The introduction, bell managed, and bell organized of any subject, any lesson, any chapter is the name of science, is the synonym of the science. In Japan city, if you see the beauty of Japan, behind a big big theory of science, Japanese people made the science practically. Japanese people may implement the science in practical way. Then we can see the Japan city is very, very beautiful. Then you understand the study and the knowledge of